ये युद्ध पूरी दुनिया पर अपने तरीके से गंभीर असर डाल रहा है। इसका असर दुनिया के कारोबार पर भी पड़ने जा रहा है। गाजा पर इसराइल के हमले से नाराज यमन के हूती विद्रोही अब लाल सागर और खाड़ी इलाके से गुजरने वाले कारोबारी समुद्री जहाजों को निशाना बनाने में लगे हैं। अब तक 15 जहाजों को वो निशाना बना चुके हैं। रविवार को ही लाल सागर यानी रेड सी में गैबन का एक व्यापारिक तेल टैंकर हूती विद्रोहियों के ड्रोन हमले का निशाना बना। ये जहाज भारत आ रहा था और इसके चालक दल के सभी 25 सदस्य भारतीय थे, लेकिन हमले में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। इससे एक दिन पहले गुजरात तट से करीब 200 नॉटिकल माइल की दूरी पर अरब सागर में भी भारत आ रहे एक कार्गो शिप MV कैंप प्लूटो पर संदिग्ध ड्रोन हमला हुआ। जहाज के चालक दल के 22 सदस्यों में से 21 भारतीय थे, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। इस जहाज पर हमले से और भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। इन दोनों ही हमलों के लिए किसी ने अभी तक जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इन्हें हूती विद्रोहियों की करतूत बताया जा रहा है। हम आपको अब ग्राफिक्स के जरिए वो इलाका दिखा रहे हैं जहां हूती विद्रोही सक्रिय हैं। ये है लाल सागर, आप जो देख रहे हैं। लाल सागर में आपने देखा कि ये जो लाल रंग से हमने दिखाया है, ये समुद्री जहाज़ों का रास्ता है। व्यापारिक जहाज यहाँ से गुजरते हैं और आगे स्वेज कैनाल तक पहुँचते हैं। हूती मिसाइलों से और ड्रोन से यहाँ जहाज़ों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके बाद ऊपर अगर आप देखेंगे, यमन में एक लाल रंग का इलाका दिख रहा है जो हूती विद्रोहियों के कब्जे वाला इलाका है। यमन के एक बड़े इलाके पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है। इसके अलावा आप हम इसके आसपास एक पीला घेरा आपको दिखा रहे हैं। ये 200 किलोमीटर की वो रेंज बता रहा है जहां तक शॉर्ट रेंज की मिसाइल और ड्रोन्स मार कर सकते हैं, और माना जा रहा है कि हूती विद्रोहियों के पास शॉर्ट रेंज की मिसाइल और ड्रोन्स हैं और वो इनसे आसपास से गुजरने वाले समुद्री जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन हम जो अब आपको दूसरी जगह दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक मार्क हमने किया हुआ है, लगभग 830 किलोमीटर दूर है ये जगह। ये हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके से अरब सागर का इलाका है, और यहाँ अगर देखें तो ईरान के तट से भी करीबी 800 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर अरब सागर में इसी जगह पर व्यापारिक जहाज MV कैंप प्लूटो पर हमला हुआ। बड़ा सवाल ये है कि कोई मिसाइल या ड्रोन अगर हूती विद्रोही उसका इस्तेमाल करते हैं, उससे हमला करते हैं, तो इतनी दूर किसी जहाज पर वो कैसे हमला कर सकते हैं? क्या उनके पास इतने बड़े हथियार हैं? और इतनी दूर तक अगर वो हमला होता है तो चिंता की बात है। इसका मतलब है कि उन्हें किसी और का भी समर्थन मिल रहा है, कोई और भी उनके पीछे है। तो क्या हूती विद्रोहियों ने ही यहाँ तक हमला किया? इसकी जांच अभी चल रही है। अमेरिका इसके पीछे हूती विद्रोहियों और ईरान का हाथ बता रहा है। अमेरिका लगातार कह रहा है कि हूती विद्रोहियों के पीछे ईरान है, जो उसे एक तरह से हथियार वगैरह सप्लाई कर रहा है। भारत सरकार इसकी अलग से जाँच कर रही है। तो सवाल अब ये है कि ये हूती विद्रोही हैं कौन, जिन्होंने इतना ज़्यादा एक तरह से दुनिया के कारोबार पर असर डालने का काम कर दिया है, जिससे कि समुद्री जहाज इस इलाके से गुजरने में अब डर रहे हैं। लाल सागर से लेकर अरब सागर तक समुद्र में व्यापारिक जहाज़ों को निशाना बनाकर हूती विद्रोहियों को हासिल क्या होगा? पहले ये समझते हैं कि ये हूती विद्रोही हैं कौन। यमन देश के उत्तर पश्चिमी सादा प्रांत का एक हथियारबंद ग्रुप है हूती, जो शियाओं के जायदी मत के अनुयायी हैं। उनके संगठन का नाम उनके आंदोलन के नेता हुसैन अल हूती के नाम पर है। 90 के दशक में ये गुट तब यमन के राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह के भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए बना था। हूती विद्रोहियों को शिया बहुल ईरान का समर्थन हासिल रहा है। 2003 में सालेह ने ईरान समर्थित इस ग्रुप को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। हूती विद्रोहियों का उत्तरी यमन और सना इलाके के एक बड़े हिस्से पर कब्जा है। इस संगठन पर लेबनान के हिजबुल्ला गुट का नियंत्रण है, और वही उन्हें हथियारों के साथ साथ फौजी ट्रेनिंग भी देता है। हूती विद्रोही क्यों लाल सागर से गुजरने वाले जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं? उन्हें किसका समर्थन मिल रहा है? किससे हथियार मिल रहे हैं? इस पर ज्यादा जानकारी दी हमें वरिष्ठ पत्रकार कमर आगा ने, जो पश्चिम एशियाई मामलों के विशेषज्ञ भी हैं। हूती रिबिल कई कारण रेड सी से गुजरने वाले जहाजों पे अटैक करते हैं, उसके कई कारण हैं। पहला सबसे बड़ा कारण तो यह है कि वो इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते। दूसरा यह है कि वो जो इस समय इसराइल गाजा जंग चल रही है युद्ध, उसमें वो खुलकर हमस के साथ खड़े नजर आते हैं। हूती रिबल्स जो हैं, ये
आर्क ऑफ रेसिस्टेंस एक ग्रुप है कहलाता है, इसमें हूती रेबल, हिजबुल्ला, शिया मलेशिया इराक की, फिर उसके अलावा यहाँ के कुछ लोग, सीरिया में कुछ ग्रुप्स हैं, ये सब उसके एक पार्ट हैं। और ये सभी लोगों के संबंध ईरान से बहुत घनिष्ठ हैं। ईरान भी हूती रेबल के साथ उनके खिलाफ नज़र आता है, हिजबुल्ला को भी। ये लोग जो हैं, ये बेसिकली जितने भी ग्रुप हैं इसमें, ये आयतुल्लाह खुमैनी से काफ़ी संबंध है, यानी ईरानियन रेवोल्यूशन से ये इंस्पायर्ड हैं। और ये इनका मानना ये है कि पूरे पैलेस्टाइन को इसराइल को खाली करना चाहिए। हूती रिबल एक बहुत बड़े ग्रुप है, इनको बहुत काफ़ी ट्रेनिंग है, इसमें से अधिकतर लोग पहले सेना में भी थे यमन की, फिर उसके बाद इनका एक लंबा युद्ध सऊदी अरेबिया से चला, और ये अब इस समय इनके साथ है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि ये लगातार मानते हैं। दूसरी बात ये कि इनके हालात बहुत बुरे हैं, मुल्क इनके तबाही की तरह पहुंच चुका है। ये लोग इनका मानना यह है कि जो कुछ भी हो रहा है इस समय पश्चिम एशिया में, इसराइल और हमास उसके जिम्मेदार हैं। हूती रेबल को ईरान का खुल के समर्थन हासिल है, और उनके पास पहले से भी काफ़ी हथियार हैं। इन लोगों को इस वॉरफेयर में की काफ़ी ट्रेनिंग मिल चुकी है। कहा जाता है कि हिजबुल्ला ने इनको ट्रेनिंग दी है, ईरान का भी नाम आता है उसमें बार बार। इनके पास ड्रोन्स हैं बहुत, और अभी ये बनाते भी हैं, इनके पास कैपेबिलिटी डेवलप कर ली है ड्रोन्स बनाने की, दो तीन प्रकार के। फिर इसके बाद इनके पास सोवियत एरा का काफ़ी वेपन सिस्टम्स हैं इनके पास। नॉर्थ इनका पूरा कब्जा लगभग नॉर्थ यमन के ऊपर है, जहाँ पे बड़े डिपो थे पहले यमन के, जिसमें यमन एक ज़माने में उसके घनिष्ठ संबंध सोवियत यूनियन और रशिया से होते थे, इसलिए इनके पास वो वेपन भी मौजूद है, इनका वो इस्तेमाल टाइम टू टाइम करते रहते हैं। फिर उसके अलावा ये है कि और दूसरी जगहों से भी इनको मदद मिलती रहती है। हिजबुल्ला से इनके बड़े घनिष्ठ संबंध हैं, हिजबुल्ला भी इनको ट्रेनिंग भी देता है, और इनको कहा जाता है कि वेपन बनाने की तकनीक भी इसने सिखाई है। ईरान का कहना यह है कि ये हूती और इन सब लोगों को मॉरली सपोर्ट करते हैं, और आर्म्स की सप्लाई या ट्रेनिंग इनके पास नहीं है। शिया मलेशिया से कुछ थे पहले, जब वो उनसे लड़ रहे थे आईएसएस से, जिसको कि वो लोग दाइश कहते हैं, तो उस समय ईरान ने उनकी खुल के मदद की थी, और वही नहीं बल्कि अमेरिकन भी उनको एयर कवर प्रोवाइड किया था। गाजा पर इसराइल के हमलों के बाद से ही हूती विद्रोहियों ने हर उस चीज को निशाना बनाने की ठानी है जिसका इसराइल से कोई भी लेना देना हो। यही वजह है कि लाल सागर में इसराइल से जुड़े जहाज़ों को लगातार निशाना बना रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि उसके निशानों में दुनिया के बाकी देशों के जहाज़ भी आ रहे हैं। इससे दुनिया की अर्थव्यवस्था को सीधा खतरा है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका से एशिया के एक बड़े इलाके के बीच समुद्री जहाज़ों के जरिए कारोबार स्वेज नहर से होते हुए फिर लाल सागर और फिर अरब सागर के जरिए ही होता है। जहाज़ों के लिए छोटा रूट है, और इससे जो कीमत है, लागत है, वो भी कम होती है। लाल सागर दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से दुनिया के देशों के बीच कच्चे तेल, अनाज, तमाम तरह के उपभोक्ता सामानों की आवाजाही होती है। एशिया से यूरोप तक जाते हैं, यूरोप से एशिया तक आते हैं ये समुद्री जहाज। दुनिया के व्यापार का 10% हिस्सा लाल सागर से यानी रेड सी से गुजरता है। लाल सागर इलाके में हूती विद्रोहियों के हमले दुनिया के कारोबार पर कितना खराब असर डाल सकते हैं, कैसे व्यापार का पूरा रूट ही बदल सकता है, और कैसे इस पूरे रूट को अगर बंद करना पड़ा तो दूसरा जो वैकल्पिक रूट है वो अफ्रीका के पूरे अफ्रीका को एक तरह से पार करके उसके दूसरे छोर से आकर के केप ऑफ गुड होप से आकर के होगा, और कितना लंबा वो रूट बन जाएगा, इस पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह। लाल सागर में जहाज़ों पर हूती के हमले से जहाज़ों की आवाजाही पर क्या असर पड़ रहा है और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका किस तरह से बुरा असर पड़ेगा, इस मैप के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं, ये है लाल सागर, दो छोर हैं इसके, स्वेज नहर जो भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ता है, और बाब अल मंदेब स्ट्रेट जो कि यहाँ अरब सागर और एशिया की तरफ आता है ये रास्ता।
ये जो रास्ता है जो कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, ये सबसे छोटा रास्ता है और इसके जरिए खाड़ी के देशों से सप्लाई जाती है यूरोप और अमेरिका के देशों की तरफ, और अमेरिका से नेचुरल गैस जो है वो एशिया की तरफ आता है। और एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला जो छोटा रास्ता है, इसमें दुनिया का जो 12% जो समुद्री यातायात है ये इसी रास्ते से होता है। और न सिर्फ 12% समुद्री यातायात बल्कि 10% जो तेल की ढुलाई है, पेट्रोलियम की जो ढुलाई है, वो भी इसी रास्ते से होती है। और अगर ये रास्ता जो है वो बंद हुआ, यमन से जो हूती के हमले हो रहे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, उसकी वजह से अगर ये रास्ता बदलने की मजबूरी हुई तो एक दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा जो कि पुराना व्यापारिक मार्ग है। और ये पुराना व्यापारिक मार्ग जो है वो पूरा अफ्रीका घूमकर आता है केप ऑफ गुड होप के ज़रिए, और ये रास्ता जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा इसकी वजह से। और ये जब लंबा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि 10 से 14 दिन लंबा वक्त लगेगा जहाज़ों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुँचने में, और 4000 नॉटिकल माइल जो दूरी है वो बढ़ जाएगी। और जब 4000 नॉटिकल माइल दूरी बढ़ेगी तो इसकी वजह से जो ढुलाई है वो महंगा पड़ेगा, और जो क्योंकि ईंधन की ढुलाई भी यहाँ से होती है, व्यापारिक जहाज़ों के जरिए टैंकरों के जरिए तेल आता है, तो जब वो महंगा होगा तो उसका असर ये होगा कि पेट्रोल डीजल महंगा होगा, और जब पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो तमाम जो उसके ज़रिए चीज़ों की ढुलाई होती है वो हमको आपको सबको महंगी मिलेगी। तो ये एक बुरा असर अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा, क्योंकि ये सप्लाई चेन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसमें समस्या आएगी, और इसी वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था को खतरा बताया जा रहा है जिस तरीके से हूती लगातार लाल सागर में जहाज़ों पर हमले कर रहा है। तो हूती विद्रोहियों के ये हमले दुनिया के कारोबार को कितना प्रभावित कर सकते हैं, इसका जो असर है वो दिखना शुरू भी हो गया। इसके बाद दुनिया की कई शिपिंग कंपनियों को मजबूरी में अपने जहाज रोकने के फैसले लेने पड़ रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी मर्स्क ने अपने समुद्री जहाज़ों को रोकने का आदेश दिया था, लेकिन अब से कुछ देर पहले खबर आई कि कंपनी ने फिर जहाज़ों को इस रूट से चलाना शुरू कर दिया है, उसका आदेश दे दिया है। जर्मन शिपिंग कंपनी हपर्ड ल्योर्ड ने भी अपने जहाज सोमवार तक रोकने का आदेश दिया। हूती विद्रोहियों के हमलों का भारत पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत का एक तरह से पूरा तेल गैस इस रूट पर निर्भर है। इसके अलावा यूरोप से आने वाला जो पूरा सामान है वो इसी रूट से आता है, तो काफ़ी ज़्यादा असर भारत के कारोबार पर पड़ सकता है, भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, अगर यात्रा का जो रूट है समुद्री जहाज़ों का वो बदलना पड़ा तो। क्या क्या ये असर हो सकता है, इस पर ज़्यादा जानकारी दी उद्योगपति और राज्यसभा सांसद विक्रमजीत साहनी ने, जो वाणिज्य मामलों पर संसद की स्थायी समिति के सदस्य भी हैं। हाउटी मिलिटेंट्स जो है ये यमन बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप है, और इन्होंने कमर्शियल वेस्टल्स पे अटैक करना शुरू किया। पहले तो ये इजरायली वेस्टल्स, जब 7 अक्टूबर को इजराइल ने अटैक किया गाजा पे, तो पहले तो ये इजराइल वेसल्स को, जहाजों को अटैक कर रहे थे, लेकिन अभी तकरीब 3 हफ्ते से दे आर अटैकिंग ऑल द वेसल्स, बेसिकली यूएस जो है डिफेंस के वेसल्स, लेकिन अभी कुछ भारतीय वेसल्स, क्योंकि वो डिसरप्ट करना चाह रहे हैं, प्रेशर डालना चाह रहे हैं। तो अभी जो कैंप लूटो जहाज था कुछ दिन पहले, जिसमें 22 इंडियन क्रू थे, उस पर भी अटैक हुआ, तो इससे इंडियन वाटर भी अनसेफ हो रहे हैं। नेवी, जो इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड है, वो कोशिश तो कर रहे हैं चेज अवे, पर ये लोग बड़े चाहते रहे, ये ड्रोन से एरियल अटैक कर रहे हैं, तो इसलिए टफ हो रहा है। और इससे भारत के जो आयात है ऑयल की, केमिकल्स की, पेट्रोकेमिकल्स की, फर्टिलाइजर्स की, उस पर गहरा असर पड़ रहा है। और फ्रेट जो है वो ऑलमोस्ट 1.5 गुना 2 गुना हो गए हैं, तो फ्रेट्स बहुत बढ़ गए हैं, उससे डिसरप्ट भी होगा इंटरनेशनल ट्रेड, और जो कीमत इन्फ्लेशन भी हो सकती है, सब्सिडी पे असर पड़ेगा, क्योंकि जब फ्रेट बढ़ेंगे चीज की कॉस्ट बढ़ेगी, तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं या तो प्राइस बढ़ानी पड़ेगी या सब्सिडी इंक्रीज करनी पड़ेगी। और इसी मुद्दे पर हमने राय जानी उद्योगपति और अलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फौजान अलावी से भी। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पूरा करीब करीब अच्छा खासा एक ह्यूज नंबर में डिसरप्ट हो रहा है, और भारत के लिए ये एक बहुत पुराना एक ही रूट था
जो मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, अल्जीरिया, अफ्रीका, यूएस, रशिया, जो हमारी गुड्स जाती थी, हर तरह की ड्राई और रेफ्रिजरेटेड, वो सब इससे अफेक्ट हो रही हैं। इससे अफेक्ट होने के अलावा एक जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो सामान जो इन ट्रांजिट है, उसके अलावा एक चीज और जो है वो है ये कि इससे बिजनेस की कॉस्ट बहुत बढ़ जा रही है, क्योंकि हर शिपिंग लाइन है, क्योंकि उनके भी एक्सपेंस बढ़े हैं, तो वो उन्होंने सारे ओवरनाइट सब हर रूट पर, हर कंटेनर पर कहीं 450, कहीं 500, कहीं 1000, कहीं 1500, वो पोर्ट के हिसाब से और डिस्टेंस के हिसाब से डॉलर पर टन बढ़ा, पर कंटेनर बढ़ा दिया ऑलरेडी। तो ऑब्वियसली क्या कहते हैं कि एक आजकल जो बिजनेस एनवायरमेंट है जहाँ पे बहुत ही श्रिंकिंग मार्जिन पे काम लोग कर रहे हैं दुनिया भर में ज्यादातर, तो उसमें ये एक एडेड कॉस्ट होती है, वो बहुत अफेक्ट करेगी इसको। हिंदुस्तान पे बहुत असर पड़ रहा है ऑलरेडी, हजारों कंटेनर इंडिया के जो हैं वो इस रास्ते पर हैं, और वो सब जो है कुछ फंसे हुए हैं, कुछ रास्ता पा रहे हैं, लेकिन वो एक अनसर्टेनिटी अभी बनी हुई है, और उसकी वजह से रेट बढ़ रहे हैं, टाइमलाइन बढ़ रही है, वो जो आपका बायर है वो उसकी साइकिल डिस्टर्ब हो रही, तो मल्टीपल फैक्टर्स भारत के बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं फिलहाल इसकी वजह से।